हेमंत मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों ने आज मंत्री पद की शपथ ली है। राजभवन में मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। इस वक्त हमारे साथ बड़का गांव की विधायक अंबा प्रसाद हैं बात करने के लिए। अंबा जी, जिन मंत्रियों ने शपथ ली है उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सब अपने ही लोग बने हैं, बहुत खुश हूँ और ये पूरा उम्मीद है कि सब लोग बहुत सपोर्ट करेंगे, सारे विधायकों को काम करने में मदद करेंगे और हम लोग का काम कहीं रुकेगा नहीं। जनता के जनहित के जितने भी मामले हैं उसको पुरजोर तरीके से हमें उसका समाधान करने में पूरा पूरा साथ मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। अच्छा, झारखंड को युवाओं को बहुत उम्मीदें थी कि अंबा प्रसाद जब जीत के आई, आपकी जो डिग्रियों का लिस्ट था वो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों को उम्मीदें थी कि अंबा प्रसाद भी मंत्री पटल में शामिल हो सकती हैं। जो लोग निराश हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? निराश होने की कोई बात नहीं है, हमारे अपने लोग मंत्री बने हैं, जो भी समस्या होगा, जो भी जितने भी हमें काम करवाने हैं सब मंत्रियों के माध्यम से काम कराएंगे, सबको परेशान करेंगे, सबके पीछे लगेंगे, सबके सर पे सवार रहेंगे और काम करवाएंगे। अच्छा, एक जगह अभी भी खाली है, कुछ उम्मीदें हैं? अब देखिए क्यों खाली है वो सब हमें मुझे जानकारी नहीं, अगर किसी के लिए खाली है तो मुझे नहीं पता और अगर हमारे लिए है तो। अच्छा, आधी आबादी को लेकर लगातार सवाल उठते रहा है, एक मंत्री जोबा मांझी ने शपथ लिया है मंत्रिमंडल का, तो क्या लगता है कि आधी आबादी के लिए क्या कुछ करना है? क्योंकि ये चर्चा चल रही थी तो आपके दिमाग में भी होगा कि हम यदि मंत्री बनेंगे तो ये काम करेंगे, तो उनके लिए कुछ एडवाइस की ये भाई होना चाहिए, आपने कहा कि लड़के। देखिए, महिला का तो अभी प्रतिनिधित्व वही हमारी भी प्रतिनिधि अभी जोबा मांझी चाची है, तो मैं यही बहुत सिंपल लेडी है, बहुत अप्रोचेबल है, बहुत आराम से आप बात कर सकते हैं उनसे, कुछ भी बात कर सकते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, तो ये उनकी खासियत है। तो सारी महिलाओं को जिस तरह से हमें महिला सशक्तिकरण पे काम करना है तो हम उनका सहयोग आराम से ले सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है। अच्छा, आपको क्या लगता है क्यों नहीं शामिल किया गया? उम्र कम है, पहली बार जीत, बार मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? छोड़िए। तो ये अंबा प्रसाद थी जो बता रही थी कि आखिर जो मंत्री मंडल में शामिल लोग हैं वो उनसे क्या कुछ वो करवाएंगी। रांची से सनी सारद की रिपोर्ट।